हेलो तो गाइस कैपकट एप्लीकेशन ओपन किया मैंने ये वाला, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का आइकन पर क्लिक करो, फोटोज पे जाते हो, एक मॉडल वाला फोटो ये वाला लेता हो, यहाँ पर क्लिक करता हो, ऐड पर क्लिक कर लेते हो। ओके यहाँ पर इस तरह के दिख जाएगा, डायरेक्टली फुल स्क्रीन कर लेना। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में जो मटेरियल मैं यूज़ करूँगा, इस एप्लीकेशन का वीपीएन का लिंक सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल चुका है ऑलरेडी, और इसका जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो सभी टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और एडिटिंग के बारे में जब तक प्रॉब्लम आती है जरूर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। इस तरह फोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं एडिट पे जाता हूँ, फिर साउंड पे जाता हूँ, साउंड पे जाने के बाद यहाँ पर मैं साउंड सिलेक्ट करता हूँ, वो वाला भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्काइप में क्लिक करता हूँ, साउंड मैंने सिलेक्ट कर चुका है, बैक आता हूँ, साउंड ऐड हो चुका है। यहाँ पर जितना साउंड इतना फोटो यहाँ पर बढ़ा लेना है, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर सॉन्ग पर क्लिक कर लेता हूँ, जो आगे वाला फोटो है उसको पार्ट डिलीट कर लेना, यहाँ पर स्प्लाइट कर लेता हूँ, आगे वाला पार्ट डिलीट कर लेना है। ओके डिलीट करने के बाद यहाँ पर बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे बहुत ऑप्शन दे चुका है, यहाँ पर जो रेटे वाला ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर 9.6 टिक रेशियो टिकटा वाला सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर यस कर लेना। यस करने के बाद फोटो पर क्लिक कर लेना, फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेना, स्केल पर जाना है, फोटो जूम कर लेना है, अपने हिसाब से सेट कर लेना है, और पोजीशन पर जाना है, ये वाला भी अच्छा देखा सेट कर लेना है तुमसे हिसाब से, तुमसे जैसे जाए वैसे। ओके यस कर लेना है, फोटो बन चुका है। यहाँ पर क्या कर लेना, साउंड पर क्लिक कर लेना है, ऑडियो पर अपना ऑडियो पर जाने के बाद यहाँ पर बीट का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, बीट सिलेक्ट कर लेना है। ओके यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट बीट, यहाँ पर एक फर्स्ट बीट ऐड बीट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर सेकंड बीट है, सॉक सुन के बाद यहाँ पर बीट लगा लेना। ओके यहाँ पर एक थर्ड वाला बीट है, ओके यहाँ पर फोर वाला, ओके यहाँ पर क्लिक कर लेना। अच्छा इस बीट बीट ऐड चुका, फर्स्ट बीट में आना है, यह वाला फर्स्ट बीट 4 सेकंड पर है, यहाँ पर फर्स्ट बीट में आना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर लेना, स्प्लाइट लगा देना। ओके सेकंड बीट पे आना है, फोटो पर क्लिक कर लेना, स्प्लाइट लगा देना है। थर्ड बीट में आना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर लेना, स्प्लाइट कर लेना है, और फोर बिट पे आना है, स्प्लाइट कर लेना। ओके स्प्लाइट होने के बाद यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर ओवरली पे जाना है, ऐड ओवरली पे जाना है, मैंने जो पंग दिया है तुमको ये वाला पंग, यहाँ पर टेलीग्राम पर, यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा पंग। ओके जितना साउंड है इतना तक पंग, यहाँ पर तो पंग अच्छा लगेगा, सिलेक्ट कर लेना है, बैक आना है, पंग पर क्लिक कर लेना है, पंग का साइज थोड़ा कम कर लेना नॉर्मली, बेसिक पे आना है, यहाँ पर स्केल पे जाना है यार नॉर्मली, ऐसे के देख जाए नॉर्मल कम कर लेना। ओके 90 रख लेना, इतने होने के बाद यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद एडजस्ट पर जाना है, सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेना है, इतना कर लेना है सेचुरेशन, अच्छा तरीके दिख जाएगा। प्लस पर क्लिक कर लेना है, एडजस्ट पर जाना है और फुल कर लेना एडजस्ट। ओके इतने होने के बाद क्या कर लेना है, इफेक्ट पर जाना है, वीडियो इफेक्ट पर जाना है, जो ब्लर वाले इफेक्ट चल रहा है टेनिक पर इंस्टाग्राम पर वाला सिलेक्ट कर लेना, हेलो पर उसको सेटिंग में कुछ नहीं कर लेना, डायरेक्टली ऐसे कर रख लेना। नॉर्मल सेटिंग बढ़ा लेना। ओके इतने तुमको हिसाब से जो ये वाला ओवरली तो इसमें चलेगा ना, कोई टेंशन मत लेना, इफेक्ट में अपने हिसाब से कर लो। इफेक्ट पे जाना है, ये वाला हेलो ब्लर का इफेक्ट हो चुका है, फर्स्ट बिट पे आना है, यहाँ पर एनिमेशन पे जाना है, यहाँ पर ये वाला एनिमेशन देता हूँ मैं, रॉक वर्जिकल वाला इफेक्ट है, ये वाला 8 पर रख लेना है, प्लस का टिक कर लेना है, ये फर्स्ट वाला इफेक्ट हो गया है, यहाँ पर टिक कर लेना है, एनिमेशन पे जाना है, ये वाला अगर उसको 8 कर लेना है। ओके 8 सेकंड, यहाँ पर थर्ड बीट में आना है, एनिमेशन में जाना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला बीट में फिर डाल चुका है वो वाले फिर इस फोटो में डाल लेना है, ये वाला नहीं ये वाला था, इस लास्ट फोटो में क्लिक करना है, एनिमेशन में जाना है,
नीचे वाला डाल देना। एडिट करने के बाद यहाँ पर क्या कर लेना है, फर्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, एनिमेशन में जाना है, जो आउट वाला एनिमेशन है वो तुमको बता दे दो कौन सा लगा जाना है, वो फोल्ड वाला एनिमेशन ही वाला वो प्रो वर्जन ही मिलता है, यहाँ पर जो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ओके इतने होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट बीट में आना है ये वाला, फर्स्ट बीट में आने के बाद यहाँ वीडियो पे जाना है, जो ग्लिच वाले इफेक्ट काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है इंस्टाग्राम पर वाला सिलेक्ट कर लेना। ओके एनी पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर क्रोम वाला इफेक्ट जो क्रोमेटिक लास्ट तक खींचना है। ओके उसको सेटिंग अच्छे से कर लेना है, एडजस्ट पर जाना है, स्पीड रख देना है, फिर थोड़ा बढ़ा लेना है। ओके इतनी सेटिंग कर लेना है, इतने होने के बाद कुछ नहीं कर लेना। ओके डायरेक्टली बैक आता हूँ, फाइनल डेमो बन चुका है, तो गाइस इस तरीके से फाइनल डेमो एडिट कर लेना। ओके डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेना सेटिंग, यहाँ पर ऐसे कर रख लेना है, और जो फ्रेम रेट है वो सेटिंग बढ़ा लेना है, और कोड रेट जो हाई पे कर लेना है, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेना। ओके तो गाइस चलो नेक्स्ट टूटल में बात करूँगा।